हाँ जी, सबसे पहले आरुषि आपको बहुत बहुत बधाई हो, गाना आपका रिलीज हो गया आज। रिलीज होते ही मतलब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया उसके लिए। थैंक यू, दिस इज व्हाट आई एम गेट टू नो फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। गाने का जो आपका जो नाम जो है ना, कुछ डिफरेंट है, और जो पोस्टर देखने के बाद में लगता है कुछ हॉरर टाइप लग रहा है क्या, मतलब हॉरर टाइप कुछ नहीं पोस्टर। भैया, हॉरर नहीं, बिल्कुल हॉरर नहीं है। बहुत प्यारा गाना है जो कि बहुत सारा प्यार और दर्द लेके आ रहा है। तो जो दर्द है ना, वो मे बी इट कैन बी लुक लाइक हॉरर, बिकॉज जब दर्द होता है ना और प्यार का दर्द होता है, तो इट रियली हॉन्ट्स यू। सो यस, सम वे यू आर राइट, बट हॉरर सॉन्ग नहीं है, बहुत प्यारा गाना है। दो लाइन थोड़ा गुनगुनाना चाहते हैं आप में? नो, आई एम नॉट एट गुड एट सिंगिंग, बट क्योंकि गाना इट्स ऑलरेडी आउट, तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगी कि जाइए और उसको खुद से सुनिए। उस सिंगर ने बहुत मेहनत करी गाने में। गाने में क्या मैसेज है इसमें से? मैसेज यही है कि प्यार करना, प्यार पाना एक बात होती है, और प्यार को रिटेन करना दूसरी बात होती है। तो प्यार जो है वो जिम्मेदारियां भी लेके आता है, गलतफहमियां भी लेके आता है, और ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी होती है जहाँ आपको एक दूसरे को समझना होता है। और ये कहानी उन्हीं दो लोगों के बारे में है जिसमें एक आदमी जो है वो शिद्दत से प्यार करता है, बट गलतफहमियों की वजह से मेनी टाइम्स यू गेट सेपरेट, और वो उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड दस वी ऑल हैव डन सम टाइम इन आवर लाइफ टाइम, सो एवरीबडी विल कनेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला भी प्रोजेक्ट जो होगा इस तरह बेहतरीन से एक से देखने को मिलेगा, है ना? तब नया कुछ जो आ रहा है इसके बारे में बताइए। मेरी एक फिल्म आ रही है जो कि टी सीरीज के साथ हम को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एंड आई एम कमिंग एज एन एक्टर एज वेल इन दैट। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट की प्रोपोगेटर रही हूँ, और पहली बार जितनी भी वुमेन नेवल ऑफिसर्स थी वो पहली बार एक एक्सपीडिशन पे गई हैं, तो वो बहुत एक अच्छी कहानी है और मैं उसमें किरदार भी निभा रही हूँ। हम हॉटस्टार की वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, और अदर स्टूडियोज के साथ में भी हमारा काफ़ी काम चल रहा है। आपके एक फिटनेस के थोड़ा से डाल देता, बहुत फिट लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तब थैंक हेल्थ हेल्थ के थोड़ा सा अगर फिटनेस टिप्स बता दे दो। फिटनेस टिप यही है कि प्लीज गाइज नेवर डू डाइटिंग, दिस इज द फर्स्ट रूल आई वुड लाइक टू शेयर। आई मे नॉट लुक लाइक आई ईट अ लॉट, आई ईट मीठा ऑल्सो, बट दिस इज माई रिजिम कि मैं अपना जो है वो एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ती हूँ, मेरा जिम कभी नहीं छूटता। इवन जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो भी मेरे साथ में यू नो बैंड्स और एंकल वेट्स होते हैं। आई लव टू डू वर्कआउट। तो एक उसमें आपको ना, जब आप एक रूटीन में जाते हैं तो आपको खुशी भी रहती है, आप उसमें बैलेंस भी फील करते हैं लाइफ में। तो खाने पे रोक टोक मत करिए, गलत मत खाइए, ईट हेल्दी, ईट अ लॉट एंड डू लॉट्स ऑफ एक एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको जैसे बिग बॉस में तरफ फाइट जो चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन ये है कि फेक है या रियल में होता है जो फाइट जो होता है बिग बॉस में? देखिए, मुझसे अगर पूछे तो घर में चार बर्तन होंगे तो बजेंगे, और ये बर्तन इतनी अलग अलग शेप के हैं तो बहुत ही बजेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स आई थिंक इट्स टू रियल, और इन्फेचुएशन भी होता है, लड़ाई भी होती है, दिस इज सो ह्यूमन। थैंक थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर आप एक बार बोल दिए ऑडियंस को। यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और प्लीज हमारे गाने को देखिए, जी म्यूजिक पे आ चुका है, उसे खूब खूब सारा प्यार दीजिए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल ऑफ यू वेरी सून। थैंक यू। थैंक्स।